दिनांक मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नील जायसवाल, आप देख रहे हैं खबरें आपके सीवान से। मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु निकाली गई पद यात्रा। प्रभारी पर्यटन मंत्री ने सीवान के गांधी मैदान से पद यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस पद यात्रा में सीवान के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, सदर अनुमंडल अधिकारी अमन समीर, सीवान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समर बहादुर सिंह सहित जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ इस पद यात्रा में शहर के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बच्चे शामिल रहे। पद यात्रा गांधी मैदान से होते हुए कचहरी रोड जेपी चौक के रास्ते राजेंद्र स्टेडियम तक निकाली गई एवं अंत में आगामी 21 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने इस पद यात्रा में उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मानव श्रृंखला निर्माण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सीवान से अनिल जायसवाल की रिपोर्ट। आप सबको पता है यह पद यात्रा मुख्यतः आगामी 21 जनवरी को दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में जो मानव श्रृंखला आयोजित की गई है उसके क्रम में आयोजित की जा रही है। आप सबको यह भी पता है कि यह दो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आप सबके सहयोग से ही पूरे जिले में करीब 300 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला प्रस्तावित है 21 जनवरी को। बिना ज्यादा समय लिए हुए अब मैं चाहूंगा कि माननीय प्रभारी मंत्री अपने उद्गार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के गिनीज बुक पर ये मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड होने वाला है और पिछले बार हम लोगों ने 4 करोड़ लोगों का मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति का जो अभियान छेड़ा वह गिनीज बुक में दर्ज है और इस बार सरकार का संकल्प है आपके भरोसे कि हम 6 करोड़ लोगों का मानव श्रृंखला बनाएंगे और पूरे देश ही नहीं दुनिया में एक बिहार का मॉडल स्थापित करेंगे। और यह नशा, बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध मानव श्रृंखला के लिए यह पदयात्रा निकाला जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।